तो ये देख सकते हैं पेरिस की चमचमाहट। ये मेरा दोस्त, इसकी पिन कलेक्शन देखो। पुलाइस, पुलाइस, ये पागल है, ये सही में पागल है। तो दोस्तों ये है शॉम्ज़िलीज़े स्ट्रीट, जिसको बोलते हैं दुनिया का सबसे महंगा लग्जूरियस स्ट्रीट। मैंने कई बार हालांकि इंडियन न्यूज़ चैनल या इंडियन लोगों के थ्रू प्रोनाउंसिएशन देखा है, इसको अक्सर लोग बोलते हैं चैम्ज़िलीज़े, स्पेलिंग इसका ये है, लेकिन इसको फ्रेंच एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है शॉम्ज़िलीज़े। एनीवेज हमें यहीं से होते हुए जाना है कोरियन हाउस, और उसके बाद जाएंगे हम डेनमार्क हाउस, क्योंकि जो उनकी एम्बेसीज है इसी स्ट्रीट में लोकेटेड है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधा। हालांकि मेरा प्लान तो सिर्फ था कोरियन हाउस जाने का, लेकिन क्योंकि डेनमार्क हाउस भी करीब था तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए डेनिश कल्चर, डेनिश ट्रेडिशंस, और जो डेनमार्क ने कंट्रीब्यूट किया है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आज हम हैं फिर से एथलीट जिम के बाहर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे अभी बॉक्सर्स आए, जिमनास्ट आए, रनर्स आए, स्प्रिंटर्स आए, बहुत सारे स्पोर्ट हैं जिनका मैं जानता नहीं। इनफैक्ट स्पोर्ट छोड़ा, मतलब खिलाड़ियों तक का पहचानता नहीं हूँ, बट खैर काफ़ी लोग अच्छे हाय हेलो बोलते हैं। जापान के काफ़ी लोग आए, उनको भी बोला हाय हेलो, काफ़ी फ्रेंडली लोग थे। तो आज का KLPD ये हुआ भाई, हमारा जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल तो सामने दिखाया था लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो अराइवल डिपार्चर है, कौन सा खिलाड़ी कब आएगा, कौन से क्या, कुछ लिखा नहीं है। तो एक बार फ्लॉप शो बना, लास्ट टाइम जब मैं आया था एकदम सही था, इन सारा डिटेल था, कौन से खिलाड़ी कौन से कंट्री के लोग आ रहे हैं, किस टाइम पाएंगे, सब डिटेल था, मगर एक शीट छपी हुई थी। यहाँ पे तो बस ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ है, पुराना पता नहीं कितने दिन से चल रहा है, भगवान जाने। तो अभी मैं कोशिश करूँगा जिम के अंदर जाऊँ, थोड़े खिलाड़ी आएंगे तो, वैसे तो अलाउड नहीं है हमारे को, नहीं अलाउड तो है मतलब, लेकिन फिल्म शायद खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दिखाना अलाउड नहीं है, बट मैं पूछूँगा, अगर वीडियो नहीं ले पाया थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ ही ले लूँगा, सॉरी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ही ले लूँगा। बट चक्कर ये, खिलाड़ी थोड़े इरीटेट्स हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई आपको उनको इंटरप्ट कर रहे, तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट भी करी है। तो मैं कोशिश करूँगा अनवांटेड अटेंशन ना लूँ, बट जब मौका मिले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अगर नहीं मिला तो सॉरी दोस्तों। एनीवेज ये है दोस्तों फाइनली एथलीट अरीना, अभी तो कोई एथलीट है नहीं इसलिए मेरे को मौका मिल गया, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली मैं शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाता। बट यहाँ पे ही सारे एथलीट्स खेलते हैं और ये चार पांच सेक्शन में डिवाइडेड है। अभी ये दीवार दिख रही है आर्टिफिशियल, इसके पीछे भी कुछ और एथलीट्स अभी खेल रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा, बट ये है कुछ प्रैक्टिस एरिया इनका। तो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, और पोर्ट मायो जो कि ऑलमोस्ट सेंटर है पेरिस का, एग्जैक्टली सेंटर तो नहीं बट ऑलमोस्ट उस एरिया के आसपास है, और यहीं से पास है आर्क डी ट्रायंफ, जिसको हम इंडिया गेट भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया गेट की तरह ही है, जिसको बनाया था नेपोलियन ने, तो काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उस बिल्डिंग का यहाँ पे। और यहीं से ही काफ़ी जो मेन शॉम्ज़िलीज़े की जो के लिए जाने का रास्ता है वो भी इधर से ही पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सबसे रिचेस्ट स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बट हो सकता है हम उस तरफ नहीं जाएँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको दिखाया होगा, तो एक ही चीज़ बार बार देख के आप बोर हो जाऊँगे। आज मैं अभी हम जा रहे हैं कोरिया हाउस, तो मैं नेविगेट करता हूँ कौन सी मेट्रो लेनी है, M1 लेनी है या M7 लेनी है, फिर वहाँ पहुँच के आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो मुझे अभी यहाँ से लेना है ट्रेन नंबर लाइन E, और काफ़ी गहरा पिट है ये, और आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं E लेने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ इस एरिया में, काफ़ी सुनसान सा भी है। आई थिंक काफ़ी नया नया रिफर्बिश्ड हुआ ये जो आप इतना चाहते थे, इतना चमकता नहीं है कोई भी पेरिस का स्टेशन, काफ़ी कम लोगों ने इस्तेमाल किया ऐसा लग रहा है। और मेरी ट्रेन निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 21 से, आई होप सही जा रहा हूँ, क्योंकि वापस आना फिर से एक आफत वाला काम है, इतनी लंबी सीढ़ियाँ वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा और सरदर्दी हो जाएगी, फिर लोग बैठेंगे, इसी से पूछ लेता हूँ। तो आई थिंक आ गई अपनी गाड़ी फाइनली, फर्स्ट टाइम आ रही यार ई में चढ़ रहा हूँ मैं, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। अरे नहीं, ये वही गलती पुरानी सी है, तो कोरियन एम्बेसी आप जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना सजावट कर रखी थी, एकदम फन थीम क्लब बना रखा था, और आते ही एक पार्टी मूड लग रहा था। तो हम एंटर करते हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको दिखाएंगे कि कैसा है कोरियन हाउस की डेकोरेशंस और क्या क्या उन्होंने अपने कल्चर को कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं कोरिया हाउस के अंदर, एक्चुअली जो आईडी कार्ड पर सब लिखा हुआ था
कि आपको अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट या वीज़ा कुछ दिखाना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। बट क्योंकि मैं आया था ओलंपिक की यूनिफॉर्म में और मेरे पास ओलंपिक्स का जो एंट्री पास था, तो उन्होंने वही देखा, उसके बेसिस पे अलाउ कर दिया। वो अलग फ़ायदे तो हैं काफ़ी कुछ, अभी मैं जाके दिखाता हूँ आपको। ये है गेम सेंटर, फोटो खेलो गेम या वर्चुअल गेम्स खेलनी है आपको ऐसे, मतलब यहीं से शुरू करके देखता हूँ कैसे करना है। और इसके बाहर और भी बहुत कुछ होगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस, उस पर लिखा है सेरेमोनियल रोब। ओके, काफ़ी अच्छा है देखने में। हाँ, अपनी बहन को दिखाऊंगा, वो तो पागल हो जाएगी। ऑब्वियसली ये ख़रीदने के लिए नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए है। और ये ऊपर से एक झूमर, और ये एक और सेरेमोनियल ड्रेस। वाओ, और यहाँ क्या है, अरे तेरी, यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ के कल्चर के बारे में देखना है क्या है। और यहाँ पे ऑब्वियसली खाने पीने का स्टॉल, क्या मैच चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं के कंटेंट जोन में, डाइवर्सिटी ऑफ के पॉप के गेम्स। और ये तो देखना बड़ा अच्छा सेशन है। तो अभी हम इधर से जाके देखते हैं एंट्री कहाँ से, यहाँ से है, वहाँ से, अरे यहाँ से शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न डे कोरिया और मिडिवल और एंशिएंट कोरिया का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, कैसे उस टाइम पे लोग थे और आज के टाइम पे कैसे इस आर्किटेक्चर है। ये बहुत अद्भुत नज़ारा था अपने आप में ये। तो दोस्तों, हम एग्जिट कर चुके हैं कोरिया, उसका काफ़ी कुछ था यहाँ देखने लायक, और भीड़ भी एज एक्सपेक्टेड भीड़ तो थी हमारे पास, बट मेरे को एक बैच दिया उन्होंने। हेलो, और ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला कोरिया वाला बैच दिया उन्होंने मेरे को, जो कि अच्छा था। और साथ एक और बैच है जो मेरे पॉकेट में पड़ा है, वो मैं किसी से चेंज करूँगा। अभी हम चलते हैं, टाइम मिलता है तो डेनमार्क हाउस। और यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं मोटर गाड़ी है, सारी बंद कर रखा है, पूरा पैरिस से बैरिकेड कर रखा है। ये दिखाता हूँ, ये देखो पूरा सब कुछ सब बंद कर रखा है। तो अब हमें लेनी है मेट्रो M8, मेट्रो लाइन M8। उसके बाद जाएंगे डेनमार्क हाउस, वहाँ पे अगर बिगा वाला एंट्री तो फ्री है, बट आई होप ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ ना करना पड़े, प्रायर रजिस्ट्रेशन ना मांगे। अगर मांग लिया तो भाई वापस चले जाएंगे, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डेनमार्क हाउस, और एंट्री एज एक्सपेक्टेड फ्री है, और एंट्री खुला भी है, और रात के 10 बजे तक खुला है, तो हम आराम से एंटर करेंगे इसके अंदर और जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या अनोखा है इसके अंदर, क्या क्या इसमें अपना कल्चर, क्योंकि मुझे डेनिश कल्चर के बारे में वाकई में कुछ नहीं पता और मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छा मौका है जाके एक्सप्लोर करना। तो ये हम फाइनली एंटर कर चुके हैं डेनमार्क हाउस में, जो कि काफ़ी, कहाँ से शुरू करो ये समझ नहीं आ रहा। और ये थोड़ा उसका पर हिस्ट्री के बारे में, यहाँ से कुछ हम गुडीज़ लेते हैं मिलता है तो। तो डेनिश हाउस ने हमें ये दिया है वेलकम, एक आइसक्रीम टाइप, जो कि मैंने पैशन फ्लेवर पीस पे ले रखा है, और वाकई गर्मी, इस गर्मी में वाकई ज़रूरत भी थी, तो शुक्रिया इनको। काफ़ी बर्फ़ जैसा जमा हुआ है, बट मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है। तो डेनमार्क हाउस की स्पेशलिटी ये थी, उनका हाउस हालांकि बहुत बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत भर भर के थी, उनकी जो मॉडर्न डे कंपनीज हैं और क्या क्या वो अभी करंटली कर रहे हैं मैनकाइंड के लिए और फ्यूचर ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, तो वो लिखा हुआ था हर जगह एक एक स्क्रिप्चर्स में, जो कि पढ़ने में बहुत मज़ेदार था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। सो ये कुछ पॉपुलर इनोवेशंस हैं जो डेनमार्क से हुई गई हैं। ये वाली साइकिल, ये भी बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट फ्रांस में बहुत पॉपुलर है। और फिर आप सबवे सर्फर गेम्स आप सबने खेली होगी, मैंने भी बहुत खेला है, और वो भी कोपेनहेगन की कंपनी ने बना रखा है। और आप कैसे भूल सकते हैं लेगो को, जिसने पूरी दुनिया को ही कब्जा कर रखा है, वो भी एक डेनिश बंदे ने बनाया है लेगो, जो कि बहुत बहुत पॉपुलर है, बचपन से मैं भी खेलता हूँ, इनफैक्ट आप लोगों ने भी खेला होगा। और ये है, तो दोस्तों मैंने फाइनली एग्जिट कर लिया है, और वाकई में काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और काफ़ी कुछ
और उन्होंने जितना वो डिस्प्ले कर सकते हैं उन्होंने अपने डेनमार्क के बारे में डिस्प्ले किया, चाहे उसका कल्चर हो और चाहे उसकी जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन हो, जो भी हो। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी तो मैं इतना खास पढ़ने में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूँ, बट काफ़ी अच्छा लगा। और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी भी एम्बेसीज में ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं, थैंक्स टू पैरिस ओलंपिक्स, वरना तो भैया एम्बेसी में घुसना आपको पता है कितना मुश्किल ही होता है। तो अभी मुझे फाइनली सैमसंग के शो पे भी जाना है, अगर हो सके तो ठीक, नहीं तो फिर बाकी किसी और दिन देखते हैं।